दोस्तों, अगर आप भी योनो SBI का प्रोफाइल पासवर्ड भूल गए हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप योनो SBI का प्रोफाइल पासवर्ड कैसे पता करेंगे और कैसे अपना नया प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ही आपको योनो SBI एप्लीकेशन को ओपन करना है, इसके अंदर लॉगिन करना है। सबसे ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड। तो आपको इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड पता नहीं है तो इसे फॉरगेट करने के लिए आपको फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन और ATM का डिटेल्स। तो आपने अगर प्रोफाइल पासवर्ड जब फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था उस टाइम आपने कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट किया था तो आपको यहाँ से उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अगर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट किया था या फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर याद नहीं है तो आपको नीचे 2nd ऑप्शन है ATM कार्ड नंबर का, तो यहाँ पर आपको जो नीचे वाला ऑप्शन है ATM कार्ड नंबर, आपको यहाँ पर अपना ATM कार्ड यानी कि जो डेबिट कार्ड का नंबर है वह नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ATM कार्ड नंबर भरने के बाद आपको नीचे ATM पिन, जो आपके ट्रांजेक्शन पिन है ATM कार्ड के, वह आपको यहाँ पर ATM पिन भरने हैं। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ATM कार्ड डिटेल्स भर के यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट योर न्यू इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड। यहाँ पर आपको अपना नया प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करना होगा। प्रोफाइल पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे इसका इंस्ट्रक्शन आप नीचे देख सकते हैं। आपको अपना पासवर्ड 8 से लेकर 20 कैरेक्टर का रखना होगा। इसके साथ ही आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने पासवर्ड का फर्स्ट डिजिट कैपिटल में रखना होगा और इसके अलावा आपको अपने प्रोफाइल पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर को भी ऐड करना होगा, जैसे कि आप @ यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है और इसे आपको यहाँ पर एंटर न्यू प्रोफाइल पासवर्ड में एंटर करना है। देन आपको री एंटर करना है अपना पासवर्ड और इसके नीचे आपको कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई देगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपना नया प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करके कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP मिलेगा। अगर आपको OTP नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर रिसेंट OTP पे क्लिक करके OTP प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपको OTP मिलेगा उस OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। OTP फिलअप करने के बाद आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप OTP फिलअप करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल पासवर्ड चेंज्ड, यू हैव सक्सेसफुली चेंज्ड योर इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, यू विल नाउ बी लॉग आउट। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है वह चेंज हो चुका है और आपका नया जो प्रोफाइल पासवर्ड है वह क्रिएट हो चुका है। इस तरह से दोस्तों आप योनो SBI का प्रोफाइल पासवर्ड फॉरगेट करके नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, इंटरनेट बैंकिंग का जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वह अलग होता है और जो प्रोफाइल पासवर्ड होता है यह अलग होता है। तो आप जब भी पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो उसे आपको इंटरनेट बैंकिंग का जो लॉगिन पासवर्ड है उससे आपको डिफरेंट रखना होगा, तभी आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।